जी, तो आज के इस व्लॉग में हमारा घर बना हुआ है जी सब्जी मंडी। और सब्जी मंडी के अंदर हम सब्जियाँ बेच रहे हैं, और ये देखें ये पूरा जो है ना गट्टू भरा हुआ था सब्जियों का। और इसके अंदर है जी प्याज, प्याज है ये जाएंगे किचन में, तो इनको उठा के रखते हैं टेबल से नीचे, क्योंकि ये किचन का आइटम है तो ये किचन में जाएंगे। ये देखें जी, किसी ने लेने हैं तो ले ली, फ्री मिल रहे हैं आजकल। वैसे आजकल महंगे हैं प्याज, प्याज क्या सब कुछ ही महंगे हैं, सिर्फ इंसान सस्ते हैं। और ये है जी अदरक, तो टेबल हो गया गंदा, कोई बात नहीं, अब सब सारी सब्जी समेट के टेबल साफ होगा। तो अदरक जाएगा जी फ्रिज में, फ्रिज में जाने वाली सब्जियां हम रखते हैं इस साइड पे। अच्छा, और इसके अंदर है, और गर्मियों का मौसम है और उनको मैं मना करती हूँ इतनी सारी सब्जी ना लाया करें, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो चलने से कासर होती है और बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे इनके अंदर कूलिंग हो ही नहीं, और इतनी सारी सब्जी उठा ले आते हैं पता नहीं क्यों, जिनमें से आधी जो है ना वो ख़राब हो जाती है और मुझे बाहर फेंकनी पड़ती है। और ऊपर फ्रीज़र जो है ना वो माशाल्लाह पहले ही ऑलरेडी फिल होता है, तो उसमें सब्ज़ी की मिर्चाई नहीं बचती, तो मैं उसमें सब्ज़ी भी रखूँ। तो ये है जी करेले, करेले और भिंडी, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, भिंडी को मैं आज बनाऊँगी, भिंडी को करते हैं साइड से, करेले हम निकालते हैं। और ज़्यादा सब्ज़ी को कभी भी शापर के साथ आप फ्रिज में ना रखा करें, क्योंकि शापर में नमी आ जाती है और सब्ज़ी जल्दी ख़राब होती है, गर्मियों में तो वैसे ही ख़राब होती है। ये भी फ्रिज में जाएगी, ये आज पकेगी, इसको साइड पे करें और इसको इधर रखते हैं, ये फ्रिज में जाएगी। और ये है कि लहसुन, लहसुन जो है ये भी जाएगा किचन में, तो इसको भी रखते हैं साइड पर, ये किचन में जाने वाली आइटम है। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जी, जैसे पहले से ही गली पड़ी है, हाथ लगाती फील हो रहा है सजी गली का। तो ये है गोभी, ये देखिए हालत दिख रही होगी आपको, इसको ऑलरेडी फंगस आई हुई है, तो इसकी हम करते हैं यहाँ से कटिंग, सारा एरिया काट देंगे। और यहाँ से ठीक है वैसे, चलो तो इसको हम फेंकेंगे, क्योंकि ये बहुत फंगस वाला एरिया है, इसको हम नीचे रखते हैं। अच्छा जी, ये हो गई गोभी, ठीक कर दी थोड़ी सी, इसको इधर रखें। और इसमें क्या चीज़ें हैं, मैं हरा धनिया की हालत दिखाऊँ आपको, ये देखें ये हालत होती है सब्जी की, तो ये भी कटेगा, इसको बाहर रहने देती हूँ। और इसमें क्या चीज़ें हैं, ये है जी कद्दू, लौकी, इसकी ये डंडियाँ जाएंगे उतार देते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी डंडियाँ जो है ना फ्रिज में बड़ी अजीब लगेगी, तो इन डंडियों को उतार देंगे। और इतनी सारी जब सब्जी हो ना तो उसको इकट्ठा काटने को भी नहीं देता जाता, इकट्ठा काटने का फ़ायदा भी क्या है, फ्रिज में वो खराब ही होगा। और ये है जी गाजर, गाजर तो बचा ही चाहिए हमें, ये देखें गाजर की हालत देखें, चारे की हालत गुजार, गर्मियों में सब्जियाँ ऑलरेडी सारी ख़राब होती हैं, तो इस वजह से मना करते हैं कि इतनी सारी सब्जी ना लाया करें, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी की नहीं सुननी होती सिवाय अपने, कि उन्होंने लानी है तो लानी है, बस पैसे जाया करते हैं आपके पास। तो अब जहाँ से ख़राब है उस एरिए को हम कट कर देते हैं, ताकि ये तो सारी ख़राब है, इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो ये भी फ्रिज में जाएगी, इसको भी है ना सजा के रखें, और इनको खा के शक्कर में डालें, क्योंकि ये कचरे में जाएगा, कचरे का माल पूरा रखते हैं। और क्या चीज़ खरीदी है फ्रिज में, और ये सब्जी मंडी जो है ना हर हफ्ते हमारे घर लगती है, और माशाल्लाह से हर हफ्ते जो पैसे हैं ना अच्छे खासे अपने पर खर्च करवाती है। ये शिमला मिर्च, ये तो मेरी फेवरेट है, इसके बगैर तो सब्जी अधूरी है। तो ये थी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ है कि लेमन, लेमन मैं छोटी टोकरी में डाल देती हूँ, और हरी मिर्च है, और लेमन है, इन दोनों को मैं टोकरी में आई उसमें डालूँ, और इसके अंदर से ये मुझे कचरा निकालना पड़ेगा, ये भी मैं टोकरी में डालूँगी, कचरे वाला शापर पसंद है।
ये फिर सारी सब्जी को ख़राब करेगा, जल जाएगा जल्दी से पत्ते, और सारी जो हरी मिर्चें हैं ना उनको ख़राब करेगा। तो फिर इनको रखते हैं फ्रिज में, अभी एक शापल बाकी है उसको भी देखते हैं। तो लेमन डालते हैं इसके अंदर बास्केट में, सारे लेमन इसमें जाएंगे, और लेमन आजकल महंगे भी बहुत है भाई, गर्मी में लेमन बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी में ही लेमन महंगा होता है। बस हमारे घर तो सर्दियों में भी बहुत भीड़ होता है, हर खाने में हर चीज़ में लेमन यूज़ होता ही होता है, तो फिर हर चीज़ की कई महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस इंसान ही सस्ता रह गया आजकल के दौर में, और कुछ भी सस्ता नहीं रहा, हर चीज़ को आग ले लेती है। और जो चीज़ें हमारे मुल्क की पैदावार हैं यही हमें इतनी महंगी मिलती हैं, तो फिर इम्पोर्टेड चीज़ों का तो कोई कसूर नहीं है मेरा महंगा भी। तो हरी मिर्च मैं ऐसी रख दूँगी इसी के साथ ही, क्योंकि मीठे की सब्ज़ी में मिक्स हो जाती है तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी फ्रिज में जाएंगे, आप ये सारी फ्रिज के साथ ले जा के और फिर इनको फ्रिज में रखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने टेबल को भी इनकी सफाई सुथराई कर ली जाए और अलग अलग कर लूँ इनको मैं। पूजा भी इतना टाइट बंद किया है, अच्छा शाकर फाड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं बस गिरा खोलती हूँ, चाहे देर लगे लेकिन बस गिरा खोलती हूँ। ये तो सबसे दिन ना इसकी खुशबू बड़ी कमाल होती है, तो मज़ा करता है। और ये है टमाटर जो कि आप रेडी किए, देखें सड़े पड़े हैं, हर चीज़ की यही हालत है भाई। हाँ हाँ कुछ नहीं हो सकता, इस आवाम का भी हर बंदा जो है ना छोटे से लेके बड़ा तक हर टमाटर की यही कंडीशन है, छोटे से लेके बड़ा तक यहाँ पे क्राफ्ट है। तो ऐसे मुल्क क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, मुल्क का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है, और अल्लाह भी ऐसी बहुत फिर रहम नहीं करता, जब खुद अपने ऊपर रहम नहीं करती, क्योंकि जब हर बंदा जो है ना छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक क्राफ्ट हो तो वहाँ पर अजाब आना जो है ना वो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जब अल्लाह के हुक्म खिलाफी की जाएगी तो फिर उसको अजाब आने ही आने, तो फिर हम रोते हैं कि भाई हम पे अजाब आ रही हैं, हम पे वबाएँ आ रही हैं, हम पे कोरोना आ रहा है, हम पे पता नहीं कौन कौन से जल्जले आ रहे हैं, कौन कौन से तूफान आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, आंधी आ रही हैं। तो चलें बस इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये तो था आज का हमारा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।